अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार भीलवाड़ा आने पर मेरे विप्र समाज के साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने जो मान सम्मान दिया, सबसे पहले मैं उसका आभार, और जो आज मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, राजस्थान की सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला करते हुए विप्र कल्याण बोर्ड का जो हमने चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था उसको निभाते हुए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया। आप मेरे साथियों के, मेरे समाज के आशीर्वाद से मुझे प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी। मैं आपके माध्यम से पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज यहाँ भीलवाड़ा के अंदर मैं समाज के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के साथियों से मुलाकात करने आया हूँ कि उनके विचार जानने आया हूँ कि उनके, हम जो इस विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं समाज की, कि उसके लिए उनके विचारों का साझा करने आया। प्रथम बार अध्यक्ष बने, ऐसे क्या नवीन कार्य किए जाएंगे? देखो, इस बोर्ड की जो मंशा थी कि उत्थान और कल्याण, विप्र समाज के उत्थान और कल्याण के लिए बोर्ड का जो वादा किया गया था, राजस्थान सरकार ने इसके लिए गठन किया है, तो हमारा भी यही दायित्व बनता है, हम समाज के और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करें। इसके लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जिनको योग्य है परंतु किसी चीज़ का अभाव है, वो ये बोर्ड पूरा करेगा।